लखनऊ के प्रोफेसर ने किया आविष्कार। महंगे डीजल पेट्रोल से जल्द मिलेगी मुक्ति। हवा से चलने वाली एयर ओबाइक तैयार। हवा में उड़ते हनुमान जी बने प्रेरणा। देश में निरंतर बढ़ रही महंगाई ने आमजन की कमर तोड़ रखी है। लगातार बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल की कीमत ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। ऐसे में यूपी की राजधानी लखनऊ के प्रोफेसर भरत राज सिंह ने एक ऐसा आविष्कार किया है जो दुनिया में आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर पाया। डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों से अब निजात मिलने वाली है। जी हाँ, प्रोफेसर के आविष्कार से अब जल्द ही लोग हवा से सड़क पर गाड़ियां दौड़ा सकेंगे। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंध लखनऊ के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तकनीकी महानिदेशक प्रोफेसर भरत राज सिंह से लगभग 10 साल पहले एक ऐसे इंजन का आविष्कार किया था जो हवा से चलता है। भारत सरकार ने इस इंजन को इसी साल जुलाई महीने में पेटेंट का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसके बाद इस इंजन के जरिए हवा से बाइक और अन्य गाड़ियां चलाने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं प्रोफेसर भरतराज सिंह ने बताया कि कई सालों से इंजन का तकनीकी परीक्षण लगातार हो रहा था और उनका ये प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा है। उन्होंने बताया कि इस इंजन से आवाज या धुआं नहीं निकलता, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। उन्होंने बताया, अगर इस इंजन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ तो हमारे देश का जो पैसा डीजल पेट्रोल के आयात में खर्च होता है, उसे विकास के अन्य कार्यों में लगाया जा सकता है। फिरकी के सिद्धांत पर काम करता है इंजन। प्रोफेसर ने बताया, चूंकि इंजन हवा के दबाव पर चलता है और फिरकी के सिद्धांत पर काम करता है, तो इसे वेन टाइप रोटरी इंजन से पेटेंट कराया गया है। लेकिन इसका सिद्धांत एयर जीरो साइकिल पर मेरे द्वारा विश्व में पहली बार हुआ है, तो अमेरिका ने इसका नाम एरो साइकिल रखा। इसके बाद मैंने बाइक पर इंजन रखने के उपरांत मोटर बाइक का नाम एरो बाइक रखा है और इसका ट्रेडमार्क ब्रदर्स रखा गया है, जो भारतीयता का परिचायक है और मेरे गाइड का सूक्ष्म नाम भी है। 5 रुपए की हवा से करीब 50 किलोमीटर का सफर। प्रोफेसर भरत राज सिंह ने बताया कि ये मोटर बाइक, जिसका नाम एरो बाइक है, जब बाजार में आएगी तो इसके 2 सिलेंडर में एक बार 5 रुपए की हवा भराने से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकेगी और वाहन की गति लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर खर्च की बात करें तो लगभग 12 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा, यानी करीब 62 से 65 में 2 आदमी लखनऊ से दिल्ली तक का सफर तय कर सकते हैं। आज जब पेट्रोल का दाम 80 से 82 प्रति लीटर है, तो पेट्रोल बाइक 1 लीटर में लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो इससे प्रति 2 किलोमीटर का खर्चा आता है। ऐसे में पेट्रोल के स्थान पर एयर बाइक से चलने पर यह करीब 16.5 गुना सस्ती पड़ेगी। कैसे दिमाग में आया हवा से चलने का विचार? हवा से बाइक दौड़ाने की प्रेरणा हनुमान से मिली। प्रोफेसर ने बताया कि श्री हनुमान जी पवन पुत्र के बारे में बचपन से पढ़ रहा था कि उनके पास हवा में उड़ने की शक्ति थी, जिसकी मदद से उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दुष्टों के विनाश के लिए सहयोग दिया। हालांकि उनके पास गदा का होना मुझे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई यंत्र लगता था, जिसमें हवा के दबाव पर ही उड़ने का स्रोत छिपा लगा था। इसी तरह मैं जब भी वायुयान को उड़ते हुए देखता तो दिमाग में एक बात आती थी, वायुयान जब तेजी से दौड़ता है तो हवा के अधिक दबाव से हवा पर तैरने लगता है, तो क्यों नहीं उल्टी इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से हवा में दबाव बनाकर फिरकी की तरह चलने वाला हवा का इंजन बनाया जाए। यहीं से हवा से बाइक दौड़ाने की प्रेरणा मिली। अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था काम। प्रोफेसर ने बताया, हवा से चलने वाली बाइक पर अप्रैल 2005 में काम शुरू किया। दरअसल AKTU के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान से प्रोफेसर की 5 घंटे की वार्ता हुई और प्रोफेसर ने अपने इंजन बनाने की योजना के बारे में उन्हें विस्तार रूप से जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने ही प्रोफेसर को सुझाव दिया कि तत्काल विश्वविद्यालय के शोधार्थी बनकर काम करें।
दो तीन साल में बाइक को बाजार में लाने की तैयारी। प्रोफेसर ने बताया, मैंने किसी भारतीय कंपनी के साथ अनुबंध कर एरो बाइक को दो तीन सालों में बाजार में लाने का कार्यक्रम बनाया है। मेरे द्वारा हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है क्योंकि ये मेरे जीवन का एक सपना है। अभी तक मैंने बजाज तथा होंडा से संपर्क करने की कोशिश की है। विश्व में हो चुका है बाइक का नाम। प्रोफेसर ने बताया, आविष्कार में वैसे तो लगभग 3 से 4 साल का समय लगा, लेकिन मैंने 1 साल और लगाया क्योंकि कंप्यूटर की मदद से गणित के मॉडल पर आंकड़ों से जो परिणाम आया था उसे वास्तविक इंजन द्वारा लोड देने से मिलान करना चाहता था। आविष्कार के बारे में IMAC लंदन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के जर्नल में छपने के बाद इसका विश्वव्यापी प्रचार अमेरिका द्वारा 22 जून 2010 में किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।